Welcome back to this channel, and in this video we will talk about the case of Chen Munya versus Virendra Singh Kushwaha. And if you want to check out the case in a descriptive manner, please check out the link in the description. The facts of this case revolves around a question, and the question is that whether a man and woman living together for a long period of time without a valid marriage, and in such cases whether the woman is entitled to maintenance under section 125 of CRPC. So the facts of the case are as follows, that the appellant, who is Chen Munya, married to Ram Charan, who belonged to Kushwaha community, and their marriage was conducted as per the rituals of the Kushwaha community. And there was also a ritual in the Kushwaha community that if the husband dies, the widow will marry his younger brother. So that is what happened in this case. The appellant married to Ram Charan's younger brother, who is Virendra Singh Kushwaha. And after their marriage, Virendra started ill-treating the appellant, and then he disowned her. And so the appellant went to district court under section 125 of CRPC, which is maintenance, and under section 9 of Hindu law, which is restitution of conjugal rights. तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि जो वीरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं उनको अपनी मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी मिस चेन मुनिया के संग रह के, क्योंकि उन लोगों की शादी हुई है एज पर द रिचुअल्स. सो वीरेंद्र कुशवाहा ये अपनी अपील लेके हाई कोर्ट गए, और उन्होंने वहां पर जाके ये कहा कि एज पर द सेक्शन 28 ऑफ हिंदू लॉ उनकी कोई भी वैलिड मैरिज नहीं हुई है. तो हाई कोर्ट में जब ये केस लड़ा गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि एज पर द सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कोई भी मैरिज परफॉर्म नहीं हुई है. सो इट मीन्स दैट वीरेंद्र कुशवाहा पे कोई भी मेंटेनेंस की लायबिलिटी नहीं पैदा करी जा सकती है एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. तो उसी के बाद जो हमारी चेन मुनिया मैडम थी, उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी, बट वो हाई कोर्ट ने दरखास्त कर दी. तो उसी के बाद जो मैडम चेन मुनिया हैं, उन्होंने एक एसएलपी फाइल करी एज पर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट द ऑर्डर व्हिच वाज गिवन बाय द हाई कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे मेन क्वेश्चन ये आया कि जिनकी वैलिड मैरिज नहीं हुई है, तो क्या हम उसको मेंटेनेंस दे सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रिसर्च करना शुरू किया. तो उन पे पहला पॉइंट यह आया कि भले ही वो लीगली मैरिड नहीं है, बट एज पर द सोशल कस्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एंड एज पर द सोशल अनाउंसमेंट, वो लोग एक मैरिड कपल की तरह बहुत सालों से रह रहे हैं, और वो एक रीजनेबली लॉन्ग टाइम है. तो उसके बाद उन पर दूसरा पॉइंट ये आया कि जो लोग रीजनेबली लॉन्ग अमाउंट टाइम से एक संग रह रहे हैं, तो उन लोगों को हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर किया जा सकता है. और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये आना चाहिए था कि उसको मेंटेनेंस दे दी जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे सकता था. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन क्वेश्चन बनाए, और वो तीन क्वेश्चन उन्होंने चीफ जस्टिस के पास भेज दिए. तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई आदमी और औरत बहुत समय से साथ में रह रहे हैं, तो क्या हम लोग उसको एज अ प्रेजम्पशन ले लें कि वो एक वैलिड मैरिज है, और क्या उसी प्रेजम्पशन पे हम लोग मेंटेनेंस दे सकते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. और उसमें दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एक स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज रिक्वायर्ड है टू गिव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. और उसमें तीसरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई शादी हुई है सारे रीति और रिवाज निभा के, लेकिन उसमें सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 फुलफिल नहीं हुआ, तो क्या वो एक वैलिड मैरिज नहीं है. तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये बोला कि बाकी दो क्वेश्चनों का तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें उन्होंने ये बोला कि आप उनको मेंटेनेंस दे सकते हैं सेक्शन 125 के अंदर नहीं, बट एज पर द प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उनको मेंटेनेंस दी जा सकती है. तो इसी केस में चेन मुनिया को मेंटेनेंस दी गई थी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द केस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.